मैं श्रीनगर आए और खासकर पौड़ी वाले रास्ते से तो यहाँ रुकना रिकमेंडेड है। तो अभी पतिसेन से हम लोग पौड़ी पहुँचेंगे, पौड़ी से श्रीनगर और सिंह नारायण जाने वाले हैं। आज डे टू है, कल हम लेंसडाउन तक आए थे 200 समथिंग और आज भी हमें 220 के अप्रोक्स जुगी नारायण तक जाना है, श्री जुगी नारायण जहाँ शिव और पार्वती माँ का विवाह हुआ था। गुप्तकाशी से निकल चुके हैं और आगे ट्रैफिक लग रहा है, आधा पौन घंटा हो गया इस ट्रैफिक में। पीक सीजन में तो आफत आ जाती होगी, पर यहाँ तसली इस बात की है कि व्यू बहुत अच्छा है। यही शूट कर रहे हैं, इससे पहले तो इससे भी ज्यादा खराब थी, कैमरा रेडी नहीं था शूट करने के लिए। अमित ने हिल रहे थे कैमरा के पास और रुकना भी पॉसिबल नहीं था, काफी बैक टू बैक ट्रैफिक लगा हुआ है पीछे। सामने झरना गिर रहा है इतना बड़ा बहुत दूर से दिख रहा था हमें एक्चुअली, मतलब इसके पास पहुंचे आधे घंटा हो गया लगभग ना, हमें आधे घंटे पहले हमने देखा था जब जाम में फंसे हुए थे, शायद उस वीडियो में भी दिखा होगा, लास्ट वीडियो जो जाम वाली है उस वीडियो से ही दिख रहा था। एक्चुअली राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है उससे पानी निकल ही रहा है। वाटर क्रॉसिंग थोड़ी सी ट्रिकी लग रही थी इसलिए बोलते बोलते रुक गया। जो लेफ्ट साइड पर पहाड़ है से काफ़ी झरने निकल रहे हैं, अब तक कम से कम 15-20 तो मैं देख लिए होंगे छोटे बड़े मिला के, 4-5 तो काफ़ी बड़े बड़े हैं जो नोटिस करने और एंजॉय करने लायक है, रुकने लायक। काशी से एक घंटे बाद हमें मिली एक काल्पनिक दुनिया व्यू, दैट वाज रियली इमेजिनरी प्लेस। एक तरफ वैली रिवर, दूसरी तरफ क्लिफ से लटकते पेड़ पौधे बेलें, ऊंचे छोटे अनगिनत झरने, वाटर क्रॉसिंग, इवन लैंडस्लाइड भी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड इमेजिनरी। कंटिन्यूअस लेफ्ट साइड के पहाड़ से हेलीपैड पर आ चुके हैं, लैंडस्लाइड एरिया काफी है यहाँ पे एक्चुअली, इसलिए बार बार ये रास्ते बंद होते रहते हैं बारिशों के टाइम पे। Thank you.
तो काशी के बाद रोड्स इतनी खराब है, व्यू उतने अच्छे होते जा रहे हैं। देखिए मल्टी लेवल पार्क पार्किंग लगभग 1 किलोमीटर। रोड का रोड
कर्वी है और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। अंधेरा हो गया है, कलर्स इतने चमक नहीं रहे, बट आई एम श्योर बहुत ब्राइट कलर में लश ग्रीन है एकदम ही सब जगह सराउंडिंग्स, बहुत सुंदर लग रहा है। सामने मेडोज दिख रहे हैं, एकदम स्लोपी मेडोज हैं बट इधर ना था रहे हैं तो त्रिजगी नारायण एक रिकमेंडेड जगह है, मतलब आपको आना चाहिए। केवल 9 किलोमीटर्स है और इतना रश भी नहीं होता जितना सोनप्रयाग में या नीचे उत्तरकाशी में आपको रश मिलेगा। काफ़ी रिमोट टाइप का एरिया लगता है, हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है बट यहाँ कम ही लोग आते हैं। थोड़ा सा नैरो है रोड बट स्मूथ और फनी है एकदम ही, फुल ऑफ एडवेंचर। स्टार्ट हो गया नीचे वैली से, पहाड़ों की तरफ फॉग आना स्टार्ट हो गया। कैमरा तो आगे रोड रिकॉर्ड कर रहा है इसलिए दिख नहीं पाएगा बट वैली से फॉग उठना स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ। हवा भी एकदम सडनली काफ़ी ठंडी हो गई है, मौसम भी हालांकि डाउन है, 6:30 बजने वाले हैं, 6:20 हो चुके बट फिर भी एलिवेशन के लिए भी नहीं है बिकॉज आप पहाड़ी की साइड ही चल रहे हैं, बट जब वापस सोनप्रयाग की तरफ आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि वैली की साइड होंगे और यहाँ स्टीप स्लोप नहीं है, सीधे फ्री फॉल है स्लोप पे तब भी थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि हाँ आप गाड़ी में रहेंगे, सीट बेल्ट लगा रखी है तो भगवान की सीधी नजर वो आपके ऊपर लोग कह दें बाद में, तो फ्री फॉल का कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, हालांकि जब आप ग्राउंड में हो इनटू
से ही दिल्ली NCR या कोई प्लेन एरिया, तो वहाँ लोगों को पैकेट डालने ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक कट गई। यहाँ पीछे लेने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करें, यहाँ नाक कटती नहीं है, कलम हो गई और लंबी हो जाती है। सुबह 8 बजे चले थे लैंसडाउन से और 7 बजेगा इतने पहुँचते पहुँचते 11 घंटे लग गए, जिसमें 1.5 से 2 घंटे तो हमने अपना फोटो वोटो में खराब किया, वो 1.5 घंटा अप्रॉक्स, बाकी सारा टाइम ड्राइव करी है। रोड काफ़ी ख़राब थी, जैम लगा हुआ था उत्तरकाशी के बाद। तो ये मेरा आ चुके हैं, रात का समय है, मंदिर में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। ये कुंड है जिसमें 3 युगों से लगातार अग्नि प्रज्वलित है। मंदिर का आरती का समय है, सामने मंदिर है और मंदिर के सामने ये खाना बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, अपना गढ़वाली खाना बनाते हो आप कुछ? हाँ, गढ़वाली में क्या बनाते हो? जैसे राजमा बना रखे हैं। अच्छा, ये राजमा गढ़वाली बना रखा है, उसकी दाल तो है। इसमें छोंक तो जीरे का दिख रहा है मुझे जी। तो जाखिया का छोंक नहीं लगाया? जाखिया क्यों, ये पहाड़ों पर होता तो है जाखिया सारे, यहाँ उत्तराखंड में सब जगह जाखिया होता है। अच्छा,